Assalamualaikum everyone, this is me Syed Maz Gilani और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Maz Electronics। दोस्तों आज लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट जो कि हमें भेजी है दोस्तों विल्ट्रॉक्स वालों ने भेजा है जी उनका सबसे कमाल का बेहतरीन 2022 का लेटेस्ट जो है लेंस जो कि है सोनी माउंट में। इन्होंने भेजा है हमें 24mm 1.8 अपर्चर के साथ आउट ऑफ फोकस टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने भेजा है जी उनका सबसे अच्छा कमाल का ब्रांड न्यू लेंस। तो आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग, आखिर चेक करेंगे किस तरह का लेंस है, क्या क्या निकलता है, इसकी क्वालिटी कैसी है, अपर्चर की क्वालिटी कैसी है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, सब चीज़ें इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। इनडोर टेस्ट भी करेंगे, आउटडोर टेस्ट भी करेंगे और उम्मीद है आज की वीडियो आपको इस लेंस के ऊपर पसंद आएगी। और ये पाकिस्तान में हमारी पहली वीडियो है जो हम विल्ट्रॉक्स के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आता रहूँ कैमरा गियर के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। तो लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान में जो है यूट्यूब कम्युनिटी भी दिन ब दिन जो है ग्रो होती जा रही है। इस तरह जो है कंपनियां जो है गियर्स की या कोई भी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी की कंपनियां भी दिन ब दिन जो है ग्रो होती जा रही है। तो इस तरह कंपनियों ने जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई है, मुख्तलिफ किस्म की जो है गियर्स बनाए हैं। अब जैसे विल्ट्रॉक्स वाले ने जो है सोनी वालों की कैमरे के लिए उन्होंने 24mm 1.8 में जो है एक नया लेंस जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। बहुत कमाल की क्वालिटी है, बहुत कमाल का लेंस है। यानी कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप महंगे महंगे लेंस को खरीद सकें ऑटो फोकस में, तो मैं आपको कहूँगा कि आप विल्ट्रॉक्स की तरफ जाएँ ताकि आपको एक सस्ते बजट में और अच्छा टॉप क्वालिटी का ऑटो फोकस में लेंस मिल जाए। तो उन्होंने हमें भेजा है जी सबसे कमाल का इनका अच्छा प्राइम लेंस जो कि है फुल फ्रेम 24mm f1.8। तो अब इसकी करनी है जी अनबॉक्सिंग और चेक करना है इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं विल्ट्रॉक्स की ब्रांडिंग हुई हुई है। यहाँ पर जो है ऑटो फोकस लेंस है, इसकी सील वगैरह उतरी है क्योंकि मुख्तलिफ जो है कस्टम ड्यूटी में खुल जाता है पार्सल। और ये जो है दोस्तों ऑटो फोकस ई माउंट के अंदर आता है और ये जो है दोस्तों टोटली फुल फ्रेम जो है लेंस है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टोटली फुल फ्रेम लेंस है। तो इसको करते हैं जी अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और क्या क्या कंपनी ने हमें इस लेंस के साथ दिया है। इसके अंदर से निकलता है जी 24mm का मुकम्मल यूज़र मैनुअल गाइड जिसको आप मुकम्मल रीड कर सकते हैं और इसको किस तरह यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शन है, सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और विल्ट्रॉक्स की तरफ से जो है स्मार्ट चॉइस, मुझे लगता है ये एक वारंटी कार्ड है विल्ट्रॉक्स की तरफ से। अगर कोई लेंस में मसला आता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वाओ कितनी कमाल की पैकिंग है इसकी, और इसकी पैकिंग कमाल होने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लेंस जो है लग रहा है। बॉक्स को करते हैं साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी जो है कवर के अंदर पैकिंग के अंदर जो है मुकम्मल लेंस को रखा गया। और आप देख सकते हैं विल्ट्रॉक्स की जो है ऊपर टॉप पर ब्रांडिंग हुई भी है और ये लेंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने जितने भी जो है लेंस आज तक अनबॉक्स किए हैं या तो वो जो है मैनुअल किए हैं और ऑटो फोकस जो लेंस है मैंने बहुत कम जो है अनबॉक्स किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है दोस्तों खूबसूरत सा कम्पैक्ट साइज लेंस ऑटो फोकस में और विल्ट्रॉक्स की तरफ से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दोस्तों ये लेंस है और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत कमाल की लग रही है। और ये जो लेंस है दोस्तों ये 24mm का मतलब है कि ये थोड़ा सा वाइड लेंस है। तो दोस्तों वाइड लेंस होने की वजह से आप इसको इंडोर आउटडोर हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है इससे वाइड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, रियल एस्टेट की वीडियो पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो, पोर्ट्रेट वगैरह बना सकते हो। तो हम इसको आउटडोर में जाके भी टेस्ट करेंगे आखिर किस तरह का लेंस है। सबसे पहले हम इसकी लुक देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी हमारा लेंस और इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है जी 24mm f1.8। उसके बाद यहाँ पर जो है ये इसका अपर्चर रिंग है जिसके ज़रिए आप इसका अपर्चर मैन्युअली भी जो है कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इसमें ऑटो कंट्रोल करना है तो इसको ए मोड के ऊपर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर ये ऑटो कंट्रोल होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों इसका फुल फ्रेम के लिए जो है साइज़ है और ऑटो फोकस होने की वजह से यहाँ पर ऑटो फोकस के कनेक्शन रिंग्स भी हैं और रिंग जो है मुकम्मल जो है ई माउंट के लिए है। उसके बाद अगर मैं इसका हुड उतार देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कमाल का हमारा लेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लेंस है, 24mm का जो है ये लेंस है। और उसके बाद इसका जो थ्रेड साइज़ है दोस्तों वो मुझे जो लगता है वो 55mm इसका थ्रेड साइज़ है और कितना खूबसूरत लेंस है। और जितना खूबसूरत लेंस है इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और उसके बाद जो है पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो भाई ये लेंस जो है वजन में भी बहुत हल्का है, लेकिन क्वालिटी में मुझे लगता है ये बहुत है, जो है हाई क्वालिटी होगा। तो अभी जो है मैं इसको इस लेंस को अपने दूसरे लेंस के साथ स्विच करता हूँ और फिर आप देख सकते हैं कितनी वीडियो क्वालिटी का फर्क है। तो लीजिए दोस्तों, अभी ये मैंने जो है इसको स्विच कर लिया है अपने जो है इल्ट्रॉक के लेंस से, और आप देख सकते हैं मेरा एरिया कितना वाइड दिख रहा है। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है कि वाइड वीडियो बनाने के लिए ये बहुत ही कमाल का लेंस है। और इसको मैं फ्रंट पे भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लेंस जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने कमाल की क्वालिटी देता है। और ये हमने जो है सोनी कैमरे के ऊपर लगाया हुआ है, और विल्ट्रॉक्स का ये जो लेंस है भाई मुझे बहुत कमाल का लग रहा है। तो इस तरह आप इस लेंस को यूज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितने कमाल की जो है इससे वीडियो क्वालिटी आ रही है। और जितना दोस्तों ज़्यादा वाइड लेंस होगा आपको जो है वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, और आपको जो है ज़्यादा एरिया कवर करने की जगह मिल जाएगी। अगर आपके बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए भी बहुत कमाल की चीज़ है। तो अब इस लेंस को लेकर चलते हैं आउटडोर में, वहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, और फिर इसकी जो है आउटडोर क्वालिटी भी चेक करते हैं। बाकी इंडोर क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह की आ रही है, तो इंडोर क्वालिटी में तो ये 100% जो है बेस्ट लेंस है। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बाहर अपने लेंस को टेस्ट करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लेंस को जो है अपने सोनी A7 III के ऊपर लगा लिया है, और ये अब फुल फ्रेम बॉडी के ऊपर फुल फ्रेम लेंस लग चुका है। अब हमने इस लेंस को करना है टेस्ट, कुछ आउटडोर में पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं, और फिर हम इसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूं। तो लीजिए दोस्तों, आपने देखा हमने जो अपने लेंस को आउटडोर भी टेस्ट किया, उसके बाद इंडोर भी टेस्ट किया, भाई मुझे ये बहुत कमाल का लेंस लगा है। और अगर आपका जो है बजट कम है, आप कहते हैं कि ज़्यादा बजट का हम लेंस मैं ख़रीद नहीं सकता, तो मैं कहूँगा आप विल्ट्रॉक्स की लेंसेज की तरफ जाएँ, आपको कम बजट में जो है एक टॉप क्वालिटी के लेंसेज मिल जाएंगे। ये प्राइम लेंसेज मुझे जो है बहुत पसंद आते हैं, और ख़ास तौर पर ये 24mm मुझे बहुत पसंद आया है। और आप जो है मेरी वीडियो जितनी भी अक्सर आपने देखे होंगे या आगे भी देखेंगे, जो है अल्ट्रा जो है वाइड दिख
रहा होता है, जो कि मुकम्मल स्टूडियो दिख रहा था वो इसी से दिख रहा होता है, क्योंकि 24mm वाइड स्टूडियो के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप फ्रेमवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर तो है यहाँ पर जो है एक USB का ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप फ्रेमवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये USB का ऑप्शन जो है आपके फ्रेमवेयर के लिए है, और इसके अंदर जो है आप टाइप सी की जो है कोई भी केबल अटैच कर सकते हैं। टाइप सी की अटैच करके आप इसको PC के साथ कनेक्ट करके अपने कैमरे के लिहाज से फ्रेमवेयर जो अपडेट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी जो है मुख्तलिफ किस्म की फ्रेमवेयर जो है आपको देती रहती है। बाकी आप इसको क्रॉप बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फ्रेम के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको 6400 पर भी लगा के चेक किया है, और उसके बाद जो है मैंने इसको Sony A7 III के ऊपर भी लगा कर चेक किया है, तो दोनों पर बड़ा बेहतरीन कमाल का काम किया है। तो मुझे जो है बहुत अच्छा लगा है लेंस, और अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को, और उसके बाद अगर आप इसको बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ विल्ट्रॉक का, वहाँ से चाहो तो बाय कर सकते हो, और उसके बाद इनके और नए लेंसेज भी जो है आए हैं उनको भी जो है विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।